जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम कन्या राशि वालों का राशिफल लाए हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए दिन अच्छे आए हैं और आपको अच्छी चीज़ें आप ग्रहण करने वाले हैं। अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा दिन आपका जाएगा। केवल आपको अपनी आदतों पर काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई उल्टी सीधी आदत ना पालें, जैसे शराब ना पिएँ या कोई जुआ सट्टा ना खेलें, तंबाकू वगैरह ना लें। यानी कि आपको अपनी अच्छी आदतों पर करना है और बुरी आदतों पर कंट्रोल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसों व मनोरंजन पर खर्च ना करें। मुमकिन है कि आपका परिवार में उम्मीदों को पूरा ना कर सके। जैसा भी आप अपने परिवार से कोई उम्मीद रखते हैं कि ये कर देगा, ये वो कर देगा, और आपका काम पूरा ना हो सके, ऐसा हो सकता है। और आप उस पर ज़्यादा चिड़चिड़ाइएगा नहीं, इस बात की इच्छा ना करें कि आपके मुताबिक काम करेंगे परिवार के लोग, बल्कि आप अपने काम के तरीके को थोड़ा बदलिए तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। आज अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है, खुशगवार रहेगा। मनोरंजन के लिए भी आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जातक सिंह राशि वालों का व्यवसाय का टाइम है तो थोड़ा सा सावधानी बरतें और आपको सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। और आपके साथ जो काम करते हैं लोग, उन पर भी आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। और आपका जो भी दिन है उसमें गर्मजोशी बनाए रखिए, अच्छा खाइए। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लव मेट्स के साथ भी आपके टाइम अच्छा रहेगा। आप अगर आप प्यार करते हैं या आप शादीशुदा हैं तो दोनों ही ज़िंदगी में आप अच्छा लुत्फ़ उठाएंगे जीवन का। विद्यार्थियों के लिए भी टाइम अच्छा है। और पूजा थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, अथवा वरना आपका टाइम बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संपत्ति के मामले में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस बिगड़ जाए, कुछ खर्चे आपके एक्स्ट्रा हो जाएं। परिवार के साथ भी आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन चल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि परिवार से मतभेद होने की संभावना है। प्रेम रोमांस के लिए टाइम अच्छा है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आपकी शादी हो रखी है तो आपका समय अच्छा रहेगा। व्यवसाय अगर आप करते हैं, व्यवसायी हैं, तो भी आपका टाइम अच्छा रहेगा। अपने जीवन को इस चीज़ को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए अगर आप केसर खाएं, यानी कि यदि आप अपने खाने में केसर का प्रयोग करेंगे तो आपका टाइम और भी अच्छा जाएगा और आपका दिन और भी शुभ और मंगलमय होगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई राशि की जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई समस्या आती है आपको तो 8126476399 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।